गाइस, दिस इज वर्षिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई रियली डोंट नो गाइस कि हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं कहीं बाहर निकलना चाहती हूँ और भाई प्लान बनता है और उसके जस्ट बाद शुरू हो जाती है बारिश। कभी भी मतलब मैं कुछ टाइम से तो बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ, जैसे ही मैं रेडी हो जाती हूँ, जब रेडी होने से पहले तक भी इंसान चलो सोचे कि हाँ जाना है नहीं जाना। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्लान बना था क्योंकि मेरी मासी की जो बेटी है मन्नत, मेरी छोटी सिस्टर, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बिकॉज उसको टाइफाइड है, तो उसको देखने के लिए जाना था, उससे मिलने के लिए। सडन प्लान बना और उसके बाद मैं फटाफट रेडी भी हो गई और रेडी होने के बाद मैं जाने लगी। तो जैसे ही अब बाहर निकलने का टाइम हुआ है और मौसम एकदम बिगड़ चुका है, एकदम बारिश हो चुकी है और अभी भी इतने काले बादल हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि पता नहीं कैसे जाऊँगी। कैब वाले भी इस टाइम पर जाने के लिए अग्री नहीं करते हैं और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया है। पता नहीं देखो निकल पाएंगे या नहीं। दिखाती हूँ आपको कैसा बाहर का माहौल हो रखा है। ये मेरे रूम वाली जो विंडो है वहाँ से कुछ नज़ारे हैं, छत के नहीं है, ये बालकनी के नज़ारे हैं। और सामने देखो, और मौसम अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगी आज। रेडी थी मैं देखो जाने के लिए। यार इंसान तैयार हो जाए और उसके बाद ये सब ड्रामे होते हैं ना, अच्छा खासा अत्तमाजी से टकली हो जाता है। और मेरे हस्बैंड का भी फोन आया भी था, उसने बोला भी कि निकल जा निकल जा निकल जा। मैं क्या करूं, घर का भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है और मैं तैयार हो रही थी, तैयार भी एज इन जो नॉर्मल चीज़ें रखनी होती हैं वो भी, तो क्योंकि मैं रात को वापस नहीं आ पाती घर से, बिकॉज हम लोग वहीं से लेट आते हैं हॉस्पिटल से। लेकिन अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं जा भी पाऊंगी कि नहीं। काम करते हैं, जब तक वेटिंग जोन चलेगा, लाइक जब तक वेट करना पड़ेगा तब तक मैं कुछ खा लेती हूँ। सुबह मैंने पुलाव बनाया था और अभी तक मैंने लंच किया नहीं है, सो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी लंच कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। अगर निकल पाई तो निकल जाऊँगी, नहीं तो भाई फिर घर में ही मनाते रहो। देनी दे भाई, हर बारी प्लान कैंसिल हो जाता है। सोचा था इतना अच्छा मौसम है, बाहर जाने का मौका है, जा तो सकती थी मैं और मन्नू से भी मिल पाती, लेकिन अभी कुछ नहीं पता गाइस। इंसान को ना किसी भी हालत में अपना मूड नहीं ख़राब होने देना चाहिए, तो वही मैं तो अपना मूड ख़राब नहीं होने देने वाली। हो गई बारिश, हो गई, नहीं जा पाई तो देखा जाएगा। फिलहाल मैं अपना फूड एन्जॉय करूँगी, ये मेरी थम्सअप, बिकॉज मेरा मन है थम्स अप पीने का, लाइट गई हुई है। एंड ये रहा मेरा फूड के ऊपर भुजिया और ये थोड़े से प्लेन चिप्स, क्योंकि मैं मसाले वाले चिप्स आजकल अवॉइड कर रही हूँ। चलो खा के देखते हैं ये यम्मी पुलाव। बहुत अच्छा लगने लगा है मुझे। पहले प्रशांत बनाता था तब भी अच्छा लगता था, अब मैं खुद बनाती हूँ तो भी अच्छा लगता है। और लेस का ये फ्लेवर नया ब्लैक पेपर वाला जो आया, मस्त एकदम शिलैप, ना ज़्यादा मसाला ना कुछ, मौत से खाओ। हाँ ड्रॉप बाद में मिलती हूँ। इतनी तेज़ बारिश हो रही है और मुझे नीचे जाके मोटर बंद करनी पड़ेगी, बिकॉज हाउस ओनर घर में है नहीं और मोटर मुझे ही बंद करनी पड़ेगी। भैंस की आँख, कितना पानी भर गया है, क्या होगा मेरा, देखो कितना कितना पानी है यार, समुद्र बन चुका है और इसे कैसे पार करके जाऊँ मैं। इधर है गेट, हे भगवान, चलो देखते हैं। अरे गोल गपाड़े झोल झपाड़े आज ही होने, ऐसा लग रहा है पानी में पैर डूब रहे हैं। वैसे जब से मैं गिरी हूँ ना तब से तो मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। हे भगवान, कहाँ कहाँ तक पानी है यार, चलो देखते हैं, फिसल ना जाऊँ बस मैं, धीरे धीरे उतर के जाना पड़ेगा। बहुत पानी है गाइस, आज तो कुछ ज़्यादा ही बारिश हो गई। घर जाने का प्लान मैंने अभी भी हिम्मत रखी हुई है कि जा सकती हूँ, बाकी देखते हैं। गाइस क्या हो गया है मेरा हाल, कहाँ खड़ी हूँ मैं यहाँ छतरी के नीचे। बड़ी मुश्किलों से बंद किया है मैंने उस स्विच को और मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ। अब मैं गीली होती हुई चली जाती हूँ, क्या कर सकते हैं, पूरी गीली हो गई हूँ मैं। छी छी, उसे डॉगी जी को देखो, यहाँ बैठे हैं आराम से, इनको कोई गम नहीं है ज़िंदगी का। ये मैंने सामान मंगाया था, यहाँ रखा है, बैग वैग सब पैक हो गया, बट अभी तक घर से कोई फ़ोन नहीं आया। ये डिसाइड किया था कि मम्मी से बात होने के बाद अगर वो बोलेंगे कि हाँ वो इतनी बारिश हो रही है तब भी जाएंगे, तभी मैं जाऊँगी घर, वरना मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि बहुत मतलब लाइक टाइम भी लग जाएगा आज और ऊपर से मौसम भी ठीक नहीं है। सो अभी तक तो घर पे किसी से कांटेक्ट हो नहीं पाया। भाई से बात हुई थी तो ही सेट की डाइसी है, अभी मम्मी आ जाएंगी स्कूल से फिर तब पता चलेगा कि जाना है या नहीं। ये जो वेटिंग मोड होता है ना सबसे ज़्यादा बोरिंग होता है। मैं सोच रही हूँ मैं तैयार हुई हूँ, थोड़ी बहुत रील ही शूट कर लेती हूँ, टाइम को थोड़ा सा कंज्यूम कर लेते हैं। गाइस मैंने बहुत कोशिश करी कि मेरा मूड ख़राब ना हो, लेकिन लिटरली आज फ्रस्ट्रेशन भरा दिन है। एक तो मम्मी के घर जाना कैंसिल हो गया, बिकॉज फरीदाबाद में भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है और शाहदरा में भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो मैं वहाँ जाके करूँगी क्या, क्योंकि वापस लौटने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मम्मी और भाई भी नहीं जा पा रहे हैं बारिश की वजह से, ऊपर से मेरा ट्राईपॉड, मेरा ये वाला ट्राईपॉड भी टूट गया है। मैंने इसको जैसे तैसे करके पुराने ट्राईपॉड को जुगाड़ लगाया था
पहला वाला रिंग लाइट वाला तो टूट ही गया था, जबकि वो इतना अच्छा ट्राईपॉड, इतना महंगा अच्छा खासा ट्राईपॉड हम खरीद के लाए थे, वो भी टूट गया, ये भी टूट गया। रील्स बनाने के टाइम पे जब ये सब हरकतें होती है ना, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। मतलब लिटरली मैं भगवान जी से गुस्सा हूँ कि क्यों वो ऐसा करे जा रहे हैं। मेरे पास बस एक छोटा सा गोरिल्ला पॉट बचा है, उससे तो रील ढंग से बनेगी भी नहीं। पता नहीं क्यों मेरे इतने पेशेंस का टेस्ट लेते रहते हैं वो। कुछ भी मैं करना चाहूँ ना यूट्यूब से रिलेटेड चीज़ों में और इंस्टा से रिलेटेड चीज़ों में ना, बहुत 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 डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है बार बार। पता नहीं अब क्या होगा, मुझे एक नया ट्राईपॉड ही लेना पड़ेगा, पुराने वाले तो जुड़ने से रहे क्योंकि अंजड़ पंजड़ ढीले हो गए हैं दोनों के। आज ना मैं एक गाना गा के सुनाना चाहती हूँ आप सबको। ये गाना मेरे दिल के हमेशा से बहुत ज़्यादा करीब रहा है और आज मेरा मन कर रहा है इस गाने को गाने का। जो भी मतलब लाइक सिनेरियो है उसको देखते हुए, संदीप महेश्वरी का एक गाना है। मैं यहाँ पे पास्ता बना रही हूँ, दो फ्लेवर मिक्स कर दिए हैं मैंने। मैगी के दो फ्लेवर थे, एक तो चीज़ी टोमेटो और एक मसाला, और मैंने दोनों को मिक्स कर दिया बिकॉज एक बार मैंने घर पे भी ऐसे मिक्स करके बनाया था तो बहुत टेस्टी बना था। और नोनू ने बनाई है कोल्ड कॉफ़ी और मैंने बनाया पास्ता, तो अभी हम ये खाएंगे। डिनर तो बाद में देखेंगे, अभी कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा था थोड़ा मूड को ठीक करने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पास्ता बनाती हूँ और ही मेड कोल्ड कॉफ़ी। तो कोल्ड कॉफ़ी ठंडी और ठंडी होने रखी है अभी, तब तक ये पास्ता बन रहा है। गाइस इसमें ना मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ वो जो पास्ता था और दोनों जो मसाले के पैकेट थे। ये चिपक क्यों रहा है ब्रो? लग रहा है थोड़ा हाई फ्लेम पे हो गया, इसका फ्लेम कम करना पड़ेगा। बहुत यम्मी बनता है ये, आप ज़रूर ट्राई करना। मैगी के दोनों न्यू फ्लेवर्स हैं ये। मैगी तो हम सबको अच्छी लगती है लेकिन उसका ये पास्ता भी कम ज़बरदस्त नहीं है, ज़ोरदार एकदम। गाइस यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ खाने को दी है फिर भी ज्ञान बांटा जा रहा है। हाँ बांटो, गरम चीज़ खा रहे हैं और प्लास्टिक में दे रखा है। प्लास्टिक में ही तो आता है ये खाना, बाहर से जो आता है बता क्यों आता है फिर। गाइस दिस इज मैगी पास्ता, दिस इज अंकल चिप्स एंड दिस इज कोल्ड कॉफी। ये सब मैंने बनाया है, ये नोनी ने। गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बेल बटन को क्लिक करना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब तो रट्टे की तरह ये चीज़ मुझे याद हो गई है क्योंकि आपसे बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ना और आपको याद दिलाना पड़ता है कि आपको बेल बटन को हिट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो प्लीज़ गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे एक न्यू वीडियो या न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय गाइज।